नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। पीएम मोदी जहां जाते हैं वहां छा जाते हैं, उनका रुआब उनकी बातों में इतना दम होता है कि सुनने वाला चुप्पी साध लेता है। ऐसा ही देखने को मिला समरकंद में चल रही एससीओ समिट में, जब पीएम मोदी ने भारत के विकास की रफ्तार के बीच पड़ोसी देश को भी नसीहत दे डाली। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में मदद सामग्री पाकिस्तान के रास्ते ले जाने पर पाकिस्तान की नानुकुर पर अपने संबोधन में कहा, सदस्य देशों को एक दूसरे को ट्रांजिट का अधिकार देना चाहिए। पीएम मोदी ने इशारों में पाकिस्तान की बेइज्जती करते हुए भारत की विकास गाथा का जमकर जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भारत के पास 70,000 स्टार्टअप का पावर हाउस है। पीएम ने कहा कि हम दूसरे देशों की भी मदद की पेशकश करते हैं। इस बैठक के दौरान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, जो चुपचाप अपने देश की बेबसी को वहां बैठे महसूस कर रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा विश्व कोविड महामारी के बाद आर्थिक रिकवरी की चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में एससीओ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में 30% का योगदान दे रहे हैं। विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। एससीओ के सदस्य देश वैश्विक जीडीपी में लगभग 30% का योगदान देते हैं और विश्व की 40% जनसंख्या भी एससीओ देशों में निवास करती है। भारत एससीओ सदस्यों के बीच अधिक सहयोग और आपसी विश्वास का समर्थन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का बिना नाम लिए उन्हें ये जता दिया कि एक तरफ जहां भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज है। हम भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर प्रगति कर रहे हैं। भारत का युवा और प्रतिभाशाली वर्कफोर्स को मैं स्वाभाविक रूप से कॉम्पिटिटिव बनाता है। इस वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था में 77.5% वृद्धि की आशा है, जो विश्व की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे अधिक होगी। दरअसल पूरी दुनिया में पाकिस्तान की छवि दोगलेपन के साथ ही आतंकवादियों को पनाह और फंडिंग करने की है, लेकिन भारत की छवि उभरती उसी अर्थव्यवस्था की है। हमारे पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल में टेक्नोलॉजी के उचित उपयोग पर भी बहुत फोकस दिया जा रहा है। हम प्रत्येक सेक्टर में इनोवेशन का समर्थन कर रहे हैं। आज भारत में 70,000 से अधिक स्टार्टअप्स हैं, जिनमें से 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। हमारे ये अनुभव कई अन्य एससीओ सदस्यों के भी काम आ सकता है। इसी उद्देश्य से हम एक नए स्पेशल वर्किंग ग्रुप ऑन स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन की स्थापना करके एससीओ के सदस्य देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार है। एससीओ समिट में पीएम मोदी के भाषण ने दुनिया को ये बता दिया कि भारत तेजी से उभरती हुई इकोनॉमी है और हम मेक इन इंडिया के साथ स्टार्टअप पर प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया हम पर निर्भर हो, हम दुनिया पर नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।